नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। श्रीलंका में जनता का उबाल सातवें आसमान पर है। सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, जैसे सूझ ही नहीं रहा कि करें तो क्या करें। आर्थिक संकट की ऐसी मार पड़ी है कि आज पूरे श्रीलंका की कमर ही टूट गई है। सरकार को कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच एक ओर जहां परेशान जनता सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवर लगातार हमलावर बने हुए हैं। हालात को आपातकाल से कुछ काबू करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिया। इस बीच श्रीलंका से एक ऐसी खबर आई है जो अपने आप में बड़ी अनूठी है। यहाँ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्ष के तमाम दलों से सरकार में शामिल हो जाने की अपील की है और सभी को एकता सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। राष्ट्रपति ने संकट की इस घड़ी में सभी दलों को एक साथ आने और देश को इस संकट से उबारने की संयुक्त कोशिश की अपील की थी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की इस अपील के बाद सोमवार को मंत्री पद के लिए चार चेहरे सामने आए, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इनमें वित्त मंत्री के तौर पर अली साबरी ने शपथ ली, विदेश मंत्री के तौर पर जीएल पेरिस ने शपथ ली, जॉनसन फर्नांडो राजमार्ग मंत्रालय संभालेंगे, तो वही नए मंत्री बनाए गए दिनेश गुणवर्धने ने शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। आपको बता दें कि श्रीलंका में कैबिनेट के 26 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल थे। इतना ही नहीं, भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में यहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवार्ड काबराल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि देश की डामाडोल स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश के सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की थी। इस अपील का विपक्ष पर सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। अब श्रीलंका के विपक्षी दलों ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई है। यहाँ विपक्ष के चेहरों में बड़ा नाम माने जाने वाले साजिद प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। भारत के लिए जारी किए गए एक संदेश में प्रेमदासा ने कहा कि भारत हमारी मातृभूमि को बचाने में जितनी हो सके उतनी मदद करे। श्रीलंका में हालात इन दिनों दयनीय बने हुए हैं। यहाँ लोग अपना घर चलाने के लिए 100-100 ग्राम दूध खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। घरों के जरूरी सामान खत्म हो रहे हैं। राशन और जरूरत की दूसरी चीजों के लिए उन्हें कई कई घंटों तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। सब्जी, फल और दवाइयों आदि की किल्लत बढ़ने से बीमार बच्चों और बूढ़ों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बीच देश के कई हिस्सों में नागरिकों का गुस्सा भी फूटा। उन्होंने कई सरकारी भवनों आदि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस जनाक्रोश को शांत करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ इस तरह के हालात को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी भी लगाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।